सम्मानित मंच, देखिए मुझे पिछले कुछ समय से ऐसा लग रहा है कि माहौल थोड़ा नरम पड़ गया है। वैसे अभी दादा बोलेंगे, लेकिन फिर भी भारत माता की जय के जयकारों के साथ और ऐसे जयकारे कि पूरे सूरत को पता लग जाए कि आज राष्ट्रीय राजपूत कंडीसाना का कार्यक्रम यहां हो रहा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मेरे पिता तुल्य दादा राज शेखावत के चरणों में नमन। आप सबकी हमारी शान, पूरे हिंदुस्तान की शान, दादा सुखदेव सिंह गोगामाड़ी झारखंड से आए, सॉरी छत्तीसगढ़ से आए हुए मेरे बड़े भाई वीरेंद्र तोमर साहब, हरियाणा से आए हुए संजय चौहान साहब, दादा की हम शक्ल या यूं कहिए कि साया, ऐसे मेरे भाई योगेंद्र कटार साहब, वह समस्त जो भी मंचासीन आप सभी बैठे हैं, आपको प्रणाम करता हूं। इस कार्यक्रम को इतने अच्छे तरीके से जो संचालन कर रहे हैं मेरे पास में मेरे भाई, उनको धन्यवाद देता हूं। समस्त मीडिया कर्मी, पुलिस कर्मी जो यहां मौजूद हों, वह इस ऐतिहासिक कार्यक्रम की अत्यधिक विशेषता, आप सभी के चरणों में मेरा नमन। मुझे राज दादा का आदेश हुआ कि यहां आना है, तो मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। कल एक मेरा कार्यक्रम कोटा में है, जैसे ही दादा आदेश देंगे मैं वहां के लिए निकलूंगा। लेकिन जिस विषय पर बोलना चाहता हूं, जिस विषय पर बात करना चाहता हूं, वो जो सोशल साइट के साथी हैं, देखिए इस मंच से सभी अपनी राय रख रहे थे, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मुश्किल से 10 या 15 मिनट, लेकिन चाहूंगा कि आप अपनी अटेंशन बनाएं और सोचें उन चीजों पर। आपके सामने इस कार्यक्रम की जो शान है, दादा सुखदेव सिंह गोगामाड़ी जो बैठे हुए हैं, साथियों ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। मैं भी पिछले 4 वर्ष से अपना घर छोड़कर निकला हुआ हूं, लेकिन मैं जब दादा को आज सूरत में देखता हूं, कल अहमदाबाद में देखा, 15 दिन पहले छत्तीसगढ़ में देखा, फिर राजस्थान देखूंगा, तो एक सवाल होता है किसके लिए ये सब कुछ, किसके लिए? आपके और हमारे लिए साथियों, आपके और हमारे लिए। ये सिर्फ तालियां बजाने का विषय नहीं है, ये आकलन करने का विषय है। ये वो शख्स है जिसने जम्मू कश्मीर की सीमाओं में जाकर पाकिस्तान की जो टच में सीमा है, इस रक्त का एहसास वहां कराया था तिरंगा फहराकर। और आज ये जितनी भाग दौड़ है आपके हमारे लिए, ये सोचने का विषय ये है कि हमने कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, हम आए, हमने अपनी बात रखी, लेकिन आप 2 दिन 4 दिन महीने में 5 दिन, लेकिन ये जो लोग बैठे हुए हैं, जो चेहरे बैठे हुए हैं, जो प्रमुख चेहरे हैं, ये 12 के 12 महीने आपको समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए ऐसे ही दिखाई देते होंगे। नींद भी पूरी नहीं होती साथियों, बहुत मुश्किल है। अभी मैं राज दादा को सुन रहा था, दादा पद्मावत मूवी की बात कर रहे थे। देखिए एक चीज बताना चाहूंगा मैं आपको, सेंसर बोर्ड का घेराव था मुंबई में, जब बात नहीं बनी, जब संघर्ष चलता रहा, तो दादा सुखदेव गोगामाड़ी ने निर्णय लिया कि हम घेराव वही करेंगे, कहां? सेंसर बोर्ड। मैं साक्षी हूं उस दिन का, जब हम और दादा पहुंचे वहां पर, उससे पहले
राज शेखावत जी की व उनकी समस्त टीम की गिरफ्तारी हो चुकी थी। ये वो चेहरे हैं जो आगे आए हैं साथियों, जिन्होंने मेहनत की है। उस टाइम राज दादा की गिरफ्तारी हो चुकी थी। मेरी सुखदेव दादा से बात हुई, दादा ने साफ कहा उपदेश जब तक अड़े रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, तब तक पूरी गुजरात टीम को छोड़ ना दिया जाए। और वो ही हुआ। मैं बात कर रहा हूं यूनिटी की, एकता की। अरे मतभेद रहे होंगे, लेकिन आज जरूरत है संपूर्ण समाज को संगठित होने की, और जिसकी जो सहभागिता हो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए आगे आना चाहिए साथियों। और अभी दादा कह रहे थे कि जो मुकदमे लगे हुए हैं युवाओं पर, तो मैं भी इस मंच के माध्यम से वर्तमान केंद्र सरकार से यह रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने भी मुकदमे लगाए गए हैं उनको तुरंत वापस ले लिया जाए, या ये इंतजाम सरकार कर ले कि कुछ और लोगों पर मुकदमे लगाने पड़ सकते हैं। सीधी बात, नो बकवास। और क्योंकि दादा को भी सुनना है, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, मुझे जब भी आदेश होगा आप सभी का, राज दादा का, सुखदेव दादा का, कटार साहब का, तोमर साहब का, चौहान साहब का, मेरे समाज से, मेरे धम से जितने भी साथी यहां बैठे हुए हैं, मैं ये कहना चाहूंगा और स्पेशली राज दादा को ये प्रॉमिस करता हूं मंच के माध्यम से कि जब भी आपका आदेश होगा, चाहे रात के 2 बज रहे हो, उपदेश राणा आपका है, समाज का है, 24 घंटे आपके लिए तैयार है दादा। मैंने देखा है साथियों, आप अगर रात दादा के यहां गए हो गुजरात में, मैं बताता हूं अपनी आंखों देखा, अगर कोई भी व्यक्ति रात को 2 बजे फोन कर दे कि हम यहां पर हैं, अहमदाबाद में हैं, तो दादा का होटल ही नहीं, सब कुछ 2 बजे ही गेट खुलेगा, 2 बजे ही। और मैंने देखा है समाज के लिए कार्य करते हुए, मैं हर चीज नोटिस करता हूं, ना जाने कहां से आए हुए, कितनी दूर से आए हुए लोग उस होटल में ठहरे होते हैं, और दादा उनका इलाज अपने पास से करा रहे होते हैं। खुद आंखों देखी बता रहा हूं मैं आपको। इन लोगों को मजबूत करना है साथियों, खड़ा होना है इनके लिए। और मैं अपनी तरफ से श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना को शुभकामनाएं देता हूं, और मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि उपदेश राणा की जरूरत आपको जहां होगी, जिस समय होगी, मां करनी की सौगंध मैं वहां खड़ा रहूंगा। बस इतना कहते हुए मैं जाना चाहूंगा, और मैं पूरे हिंदुस्तान में कार्यक्रमों में जाता हूं, मेरी एक छोटी सी आदत है, आप जहां भी बैठे हैं खड़े हो जाइए, अपनी सीट से जय श्री राम का नारा लगाएंगे, जहां भी बैठे हैं दोनों हाथ ऊपर उठा लीजिए और पूरी सूरत को पता चल जाए कि कार्यक्रम हुआ है। सभी खड़े हो जाएं और दोनों हाथ ऊपर करेंगे, पहले मैं बोलूंगा फिर आप बोलेंगे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब सभी से निवेदन, बहुत बहुत धन्यवाद उपदेश जी राणा का। आगे मैं निवेदन करूंगा हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह जी कटार से, क्या वाणी से हमें ओतप्रोत करें, उद्बोधित करें। शहीदों को नमन। पर एक बात मैं आपने पहली सुबह मारी भाषा में बोल दूं, बार बार आचार संहिता, आचार संहिता, एक मुकदमा और सही, हटाना तुम्हारी निशानी है, नहीं समझा? कई घबराबा की जरूरत कौन है, नहीं आज जो करता ना घबराबा की जरूरत है, करनी सेना तो अशानी आई, अशानी चालीन ऑन द रोड ऑन द वे। कोई कोई अब इंस्पेक्टर अगर कोई बात करता है बार बार, अगर आपको कहता आचार संहिता, तो आप मेरे पास लाना फोन, आचार संहिता में तो करनी सेना काम करती है, बाकी दिनों में तुम काम करते हो, आचार संहिता में तुम्हें मौका देते हो, हम आचार संहिता में काम करते हैं, कोई डरने की जरूरत नहीं किसी को भी। और दादा बोलेंगे 1 घंटा नहीं 4 घंटे बोलेंगे, हम देखते हैं कौन पदाधिकारी क्या करता है। माँ करनी के चरणों में नमन, नमन करता हूँ महाराणा प्रताप के नक्शे के तुम पे चलने वाले मेरे बड़े भाई सुखदेव सिंह जी गोगा मेरी को नमन करता हूँ, रात दिन शेखावत, राज सिंह शेखावत नहीं, रात दिन शेखावत को, समझे मेरी बात? मेरा भाई बड़े भाई, मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य है, इतना बड़ा सौभाग्य है
कि मैं तो आप क्या बताऊं, मैं तो पता नहीं मेरा घर का मिले कहे कि नक्षत्र में जन्मी हो, मतलब अच्छे भाग्य में जन्मा, जी का नावण का दिन पांच दिन पता निकले। मैं तो वही में जन्मी हो तो सुखदेव दादा जैसे बड़े भाई के साथ काम करने का मौका मिला और ये घड़ता बढ़ता में रात दिन से कहा रखने के समझा, रात दिन शेखावत और सुखदेव सिंह जी घोगा मेरी। और हिंदुस्तान के कोने कोने से, हिंदुस्तान के कोने कोने से पधारे हुए, महाराष्ट्र से पधारे आनंद सिंह जी ठोके, मुंह कटार ना ठोके समझा, और मेरा भाई छत्तीसगढ़ का शेर वीरेंद्र सिंह जी, वैसे हम उनको रूबी सिंह कहते हैं, गुरुदेव बिराजे उनके चरणों में, और नए नए हमारे भाई पांच पंद्रह दिनों करनी सेना को आप माहौल दिया कर मोटी पार्टी छोड़ हमने करनी सेना में लाग गया, भगवान सिंह जी शेखावत, आप चिंता मत करो शेखावत की पूरी टीम अपन के, और डॉक्टर संजय सिंह जी जो दांत पर मेला तोड़ा नहीं लगा है समझा, अब डॉक्टर डेंटिस्ट भी आपने साथ में, मैं आपने अत्रो खर्च करूं ये करनी सेना ने इस समाज का जरा सामने ब्रजड़ हमारा भाई योद्धाओं आप लोगों की वजह हूँ आज हिंदुस्तान राजपूता का नाम जान पर लगे हो। आप एक छोटे से बात बताऊं क्योंकि मारो आगे चार सही था भी बाजू के ही यदि महाराष्ट्र में गिरफ्तार किया एक बच में मणिकणी में कोई लफड़ो यदि वो भी कोई गड़बड़ की थी तो भी टाइम आनंद सिंह जी जीवन सिंह जी मारा जीवन सिंह जी शहरी अध्यक्ष महाराष्ट्र ये सब बारह पंद्रह जना लेके हुए अमिता चौहान भी बैठे हैं वहाँ, तो मजिस्ट्रेट के सामने जब इनको पेश किया तो किसी एक व्यक्ता को बोला भी तुम बोलो तुम्हारी क्या तकलीफ है, तो आनंद सिंह ठोके ने बोला था हमारे समाज के साथ खिलवाड़ करेंगे, हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, तो मजिस्ट्रेट ने कहा सच बता रहा हूं आप पूछ लेना कसम देके तुम कंडीशन के हो क्या, कितनी बड़ी बात है अपने लिए अपने समाज के लिए। मेरे भाई अवधेश राणा अपने समाज के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं और सम्मानित मंच मैं नाम नहीं ले पाऊं आप आपने लड़ी आई है नाम ले पागी ऊपर नीचे बैठ पागी इन्हें माफ कर दो, आप सब कभी नाराज नहीं हो आप सब एक हाँ अपना समाज एक है और जो प्रयास सुखदेव सिंह गोगा मेरी कर रिया अपना समाज के लिए रात दिन दिन रात वहां का नक्शा कदम हूँ आज अपने समाज का आप देखो सूरत को तो मानो दो तीन प्रोग्राम का मौका पड़ा हर बार ही बढ़ ना बेरू सिंह जी शंभू सिंह जी विक्रम सिंह जी तो आंखों काम देखता था मने अधिकार है कोई कहने कि छाया पर मुंह अपनी भाषा में कह दू चमचो न समझा कोई खास आदमी जी ने कही कहो वो तो चमचो सुखदेव सिंह जी को तो मुंह चमचो ही छोको पर मने अधूरा अधिकार है कि मुंह किसी को भी परमिशन फटाफट कर सकू तो आपने विक्रम सिंह जी शेखावत है आपका सूरत में भरज है लंबो चौड़ो काम है आपको भी आशीर्वाद बराबर मिल रही है तो मैं छा रही हूँ आदेश तो ले लेते हो वाने मांगे राष्ट्रीय टीम में राष्ट्रीय सचिव बना रहे आज भी अरे आप थोड़ा फड़ाक तो राजी हो यार कहीं और बात बुरा रखो या तो मेरी भाषा आपको समझ में नहीं आ रही क्योंकि मैं तो गावड़ा को आदमी हूँ हिंदी इंग्लिश जो थोड़ी नहीं बचपन जो भी बोल दूँ तो आपने क्यों विक्रम सिंह जी शेखावत ने आज आप सूरत की धरती पर आपको काम देखता तका आपने राष्ट्रीय सचिव में आज वो आपा देन जा रहा आपको काम और बढ़ान जा रहा आज दिन में क्यों थोड़ा काम धंधो लफड़ो में क्या यदि रात दिन शेखावत आपने सारे कुर्बान कर दी दो राज सिंह शेखावत हकीकत बता रहा हूँ आपको मैं देखो मैं आप सबके सामने बोल ऐसे आदमी को अगर जब तक हम सामने नहीं लाएंगे अच्छे लोगों के बारे में नहीं बताएंगे तब तक कुछ भी नहीं होता। सुखदेव सिंह गोगा मेरी को जो आदमी जैसे चाहिए थे माँ करनी का आशीर्वाद से राज सिंह शेखावत जैसे विक्रम सिंह जी जैसे और पूरी हिंदुस्तान की टीम जैसे भाई एक से एक हीरा एक से एक नगीना अपने साथ भगवान की दिया से माँ करनी की दिया से अपने साथ जुड़े हैं तो सुखदेव सिंह जी के साथ जब राज सिंह जी शेखावत आए मुझे पता है आप चिंता मत करो आचार संहिता की हालो मत आप कहीं चिंता मत करो मेरी आचार संहिता नहीं बैठा मारो निवेदन यो है कि सुखदेव सिंह जी के साथ जो मौको मिलियो मैंने और मारा देखवा में जो मैंने आनंद आया अच्छा अच्छा भाई आपने लाने लग गया राज सिंह जी शेखावत जैसा तो आपने सब कुछ निछावर की दौर हकीकत बात है ये हकीकत बात है मन दे देवे तल दे देवे ये को नाम लेते ही पहली बात तो फोन ही नहीं उठावे ये हकीकत है आपने समाज की आज भी टमना एक आप सब कुछ मांग लो और किसानी भी संगठन ने चलावा के लिए थोड़ी बहुत कदी ऐसे मांगती नहीं करनी से ना आज दिन तक सुखदेव सिंह गोगा मेडी ने अपने बलबूते पे अपना सब कुछ निछावर कर दिया
आदमी शरीर दे दो, पैसा दे दो, घर बार छोड़ दे दो, सब कुछ कर दो समाज के लिए। कहा आप सब एक ही हुआ। आज गुजरात में जो हम लोग आए हैं, हम चाहते हैं यहाँ के जो राजपूत, गुजरात के जो गढ़वी गुजरात, गुजरात के वीर हम सब, और राजस्थान के वीर, हिंदुस्तान के कोने कोने से, यूपी बिहार महाराष्ट्र सभी वीर, आप सब एक साजन पे बधरिया, और इस ताकत ने आप हिंदुस्तान की ताकत बना वो छावा। बहुत जल्दी कोई आचार संहिता में ये वो फलाना ठीक, मैं आपने हकीकत कह रही हूँ, बहुत जल्दी सरकारें माने या नहीं माने, आने वाले समय में, ये समय तो खत्म हो गया आचार संहिता का, इसलिए आने वाले समय में हमारी राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना भारतीय करनी सेना के नाम से पार्टी बनेगी, और छत्तीसगढ़ कौम हमारे साथ होगी। हम इसी प्रयास में लगे हैं, क्योंकि जब तक हम राजनीति में नहीं आएंगे हम जवाब नहीं दे पाते। आज आप अभी मेरे बड़े भैया बोल रहे थे 200 आदमी, गलत बोला, ऐसे बोलने से किसी का मनोबल डाउन करते हो। मैं कह रहा हूँ 20,000, आपको मेरे को तो 20,000 दिख रहे हैं, अब आपको 200 कैसे दिख रहे? मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपकी कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, पर अच्छा 200 मेरे साथ, मैंने थोड़ा सुनने में फर्क समझा। सच बता रहा हूँ, हकीकत बताओ आपको, आप मीडिया से आपके जो भी इंटेलिजेंसी का आदमी को पता लगा लो, 20,000 लोग से कम नहीं, आप लोगों की वजह से 20 लाख आने वाले समय पे करेंगे अपन, इसी जगह करेंगे, और अपने उद्गार जब अपनी पार्टी का वो करेंगे श्री गणेश, आप सबके साथ और सहयोग से ब्राह्मण महासभा से अध्यक्ष बधारे हुए, महिला अध्यक्ष अखिल भारतीय के, और संपूर्ण समाज आप भाई लोग बधारे हुए, आप सबका सूरत की धरती पर अभिनंदन स्वागत। और हमें आप लोगों से यही अपील करना चाहते हैं, हम आप लोगों से यही मांगना चाहते हैं, ये सुखदेव सिंह गोगा मेरी ने हिंदुत्व का जो मुद्दा उठाया, 35 कौम को साथ लेकर जो काम करने का मुद्दा उठाया, आप सब साथ लगिए। भैरू कोकसा ने डर लाग रही हो, भैरू कोकसा को फोड़ा रही हो, आप चिंता मत करो भैरू सिंह साहब, अगर मान लो नाम देते हो तो मारू कार्ड नाम भेजो, मैं कली से लगा राष्ट्रीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष ले जाओ, सुबह छोड़ मान खुशी का ले जाओ, आज हमें ही बोले राजपुर मिटानी, सुबह तुम्हारे कहीं टेंशन मतलब कुछ नहीं होता है, अरे राजपूत है हम, अब बिजनेस मार्जिन का करने लगे तो इसका मतलब थोड़ी काम में पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे, आचार संहिता में क्या नहीं होता, आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करना चाहते हम, हिंदुस्तान के कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहते, पर हमें टॉर्चर करोगे ऐसे करोगे तो हम ऐसे कर देंगे, बस और कुछ नहीं है मेरे भाइयों। वास्तव में रहती तकलीफ मेरे को पता है कि जो आयोजन करता रहते हैं कि कितने पेशा पर जावा कहीं धूके अटे तो दादा के लारे कितनी तो पेशे की कितनी मुगल माहौल चाड़े आगे भगवान जाने कहीं वही अगला समय में महीने रेवा के बाहर ने अभी ठाकुर ने न कभी पासपोर्ट के लिए जावा तो थाना वाले लिख भेजे अनकरेक्ट, इसके पे तो दो मुकदमे कहीं चोरी का कहीं टूट फूट का कहीं कहीं, अरे भाई कहीं कोई नहीं बड़ा होगा। आप सब एक बार जोर से करने लगा जो, और दादा को बोलना है कि मैं तो मेरी आदत है कि आप लोगों के सामने सच से अवगत कराना चाहता हूँ, सच के साथ रहता हूँ, नहीं बाता हुए पर आज मौको कौन है, पर और कभी मौको मिली मैं सूरतमंद में बोलूँ, पर आप रत्न गर्ज करूँ, सुखदेव सिंह गोगा मेरी का जो रथ चला है उस रथ को आप लोग सबकी जरूरत है, आप लोगों के साथ ही ये रथ चलेगा, आप लोगों की सबकी जरूरत है, आप लोगों की सबके साथ की जरूरत है, आने वाले समय हिंदुत्व को बचाने के लिए हम सबको एक होना है और एक होकर हम काम करेंगे। आज दो विक्रम सिंह जी और एक डॉक्टर संजय सिंह जी को भी हमने प्रवक्ता बनाया है राष्ट्र का, जो डिबेट वगैरह करने के लिए दिल्ली जाएंगे बातचीत करने के लिए, तो उनको भी हमने प्रवक्ता बनाया, दो नियुक्ति हमने की है। एक बार जोर से जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की, जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की। मैं कहीं बोलियो हूँ महाराज जो करता कहीं मैं सोचियो, पर आज आपने कितनी कहीं गड़बड़ी जय माता, जय माता दी, बहुत बहुत धन्यवाद। शैतान सिंह जी फुलिया दादा सुखदेव शाह का सम्मान करने के लिए पधारे, और उसके बाद आपके इंतजार की घड़ियां बिल्कुल खत्म हो रही है, घड़ी का कांटा एक मिनट पूरी नहीं करे उससे पहले दादा आपके सामने होंगे। चेतन सिंह जी फुलिया जल्दी से दादा का स्वागत करने के लिए बता रहे, उससे पहले ये पूरा जो सदन है जय गौ से गूंजना चाहिए, पत्थर को भी कर दे पानी, पत्थर को भी कर दे पानी। पिछले दिनों मैंने एक कविता लिखी थी, उस कविता के दो सेंटेंस सिर्फ पढ़ता हूँ और उसके बाद दादा आएंगे। दादा से निवेदन करूंगा कि हम आपकी आवाज सुनने के लिए आतुर हैं, कृपया पधारे और आपके जोशीले अंदाज से आगे का मार्गदर्शन करावे। भारत माता के जय हो।
सर्व समाज में जितने भी महापुरुषों ने जन्म लिया है उनके चरणों में नमन करता हूं। सम्मानित मंच, जितने भी मेरे से बड़े हैं उनके चरणों में धोक, हम उम्र साथियों को जय माता जी की, महिला विंग को खमागणी। अभी चिंता करने की बात नहीं है, 9:30 हुए हैं, आधी घंटा अपने पास पड़ी है, सबकी घड़ियों ये देख लो 9:30 हुए हैं, चिंता मत करो आप। माँ भवानी को चरण स्पर्श करते हुए मेरे से पूर्व हमारे भाइयों ने आप सबके सामने जो जो बातें रखी, मैं कहना चाहता हूं उन शहीदों को जिन्होंने इस देश के लिए, हमारे लिए, आपके लिए शहादत दे दी, मैं उन शहीदों के परिवारों को, चाहे उसकी बहन है तो वो हमारी भी बहन है, अगर उसकी माँ है तो हमारी भी माँ है, अगर मेरे नौजवान साथियों उसकी वीरांगना है तो उसको भी शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, उस परिवार को पूरे को कि यह शहीद का परिवार है, इसकी शिक्षा निःशुल्क, इसकी देख रेख। मेरे नौजवान साथियों, आज मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि सरकार जो शहीद परिवार है उनको महीने के जो शहीद को तनख्वाह मिलती थी वो तनख्वाह शहीद के परिवार को आजीवन मिलनी चाहिए, ना कि अकेली पत्नी को। मेरे नौजवान साथियों, क्योंकि मैं अक्सर देखता हूं घरों में मेरे सामने ऐसे मामले आते हैं कि शहीद के माता पिता और पत्नियों के बीच विवाद हो जाता है और शहीद के माता पिता, मेरे नौजवान साथियों, दर दर भटकते हैं। तो मेरा सरकार से आग्रह है कि शहीद के माता पिता के लिए भी एक अलग से कोष का गठन किया जाए और उनके लिए भी, मेरे नौजवान साथियों, सरकार को कोई व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि एक नौजवान घर के अंदर होता है, मेरे नौजवान साथियों, 20 से 25, 25 से 30 वर्ष का, और वो सीमा पर शहादत देता है तो उसके परिवार पर क्या बीतती है, ये उन घरों में जाकर के देखो जो हमारे भाई शहीद हुए हैं। मेरे नौजवान साथियों, आज आप लोगों ने इस मंच पर हिंदू एकता का नारा दिया। मेरे नौजवान साथियों, एक शाम शहीदों के नाम, आज आपने इस प्रोग्राम को नारा दिया। मैं 2-4 बातें बताना चाहता हूं कि मैं, ये बात सही है कि छतरियों को जगाने के लिए, राजपूत समाज को एक करने के लिए इस देश के हर कोने कोने में घूमा हूं और उनको एक करने के लिए दिन रात एक की है, मेरे नौजवान साथियों। और जब क्षत्रिय सक्षम होता है तो इस देश के अंदर जितने भी लोग हैं, जो हिंदुस्तानी हैं, जो हिंदू हैं, वो अपने आप सक्षम हो जाते हैं। मेरे नौजवान साथियों, मैं आपको महाराणा प्रताप जी का उदाहरण देना चाहता हूं। अरे क्या महाराणा प्रताप जी क्षत्रियों को, अकेलों को साथ लेकर के लड़ा करते थे क्या? मेरे नौजवान साथियों, नहीं, भीलों के बीच में रहते थे, जो आज दलित कहलाते हैं, उन दलितों को साथ लेकर के, मेरे नौजवान साथियों, वो काफी युद्ध लड़े हैं। मैं इसी तरह बीकानेर रियासत की बात बताना चाहता हूं आपको, जो गंगा सिंह जी पत्थर डाल करके गए थे, जिसके नाम से आज ये संगठन चल रहा है, मां करनी, जिसका देश नोक के अंदर सबसे बड़ा भारत का देश नोक के अंदर स्थान है, मेरे नौजवान साथियों। और गंगा सिंह जी ने ये बनवाया था, मेरे नौजवान साथियों,
वो उदाहरण आपको याद होगा, कुछ युवाओं को याद नहीं है, तो मैं बताना चाहता हूं कि अंग्रेजों ने गंगा सिंह जी को डाउन करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए एक चाल चली, दो शेरों को 15 दिन तक भूखा रखा और उन भूखे शेरों के पिंजरे के अंदर गंगा सिंह जी को कहा कि आपको इन शेरों से लड़ना है मेरे नौजवान साथियों। भूखे शेर एकदम गंगा सिंह पर टूट पड़े और गंगा सिंह जी ने शेरों का जबाड़ा पकड़ करके चीर दिया। तब मेरे नौजवान साथियों, जैसे आप कैमरा लगा करके खड़े हो, इसी तरह अंग्रेज मूवी बना रहे थे और उनके कंधे के ऊपर एक औरत का चित्र घूमता हुआ दिखाई दिया। तब उन अंग्रेजों ने गंगा सिंह जी से पूछा कि ये औरत आपको अकेले लड़ने के लिए कहा था, ये औरत साथ कौन थी आपके? तब गंगा सिंह जी ने कहा, ये तो मेरी माँ थी और माँ अगर अपने बेटे की रक्षा नहीं करेगी तो किसकी करेगी? मेरे नौजवान साथियों, वहां से शुरुआत होती है। काफी लोग कहते हैं, जातिवाद का नारा देते हैं, गोत्रवाद का नारा देते हैं। मैं बता दूं मेरे नौजवान साथियों, तो राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं, वो चंद लोग हमारे भाईचारे को खत्म करने का काम किया जाता है। मैं जाट समाज के बारे में बताना चाहता हूं आपको मेरे नौजवान साथियों। अरे जाट समाज गीतों में गाया जाता है राजपूत के घर में, और कोई भी मंगल कार्य होता है तो मेरे नौजवान साथियों गोदारा जाति के जाट हैं उनसे शुभ कार्य करवाया जाता है, और ये प्रथा गंगा सिंह जी के टाइम से चली आ रही है मेरे नौजवान साथियों। इसी तरह आज आपने ये नाम दिया है कि हिंदू एकता, तो मेरे नौजवान साथियों मैं बताना चाहता हूं छतरियों का पिछड़ने का कारण क्या रहा। छतरियों ने अपने आप को अकेला रहना शुरू कर दिया। अरे इस देश की ताकत वो ताकत है पूरे विश्व को झुका सकती है। मेरे नौजवान साथियों, इस देश में वो ताकत है। बात करते हैं ब्राह्मण समाज की, तो मेरे नौजवान साथियों ब्राह्मण समाज शंख बजाएगा, और अग्रवाल साहब भी आज विराजमान है मंच पर। भामाशाह का काम अग्रवाल समाज, जो ये भामाशाह बैठे आज अग्रवाल कहते हैं, उस समय भामाशाह हुआ करते थे महाराणा प्रताप के टाइम में मेरे नौजवान साथियों। इसी तरह राजपुरोहित भी यहां विराजमान है, राजपुरोहित के बगैर कोई भी राजपूत जो राजतिलक हुआ करता था, राजपुरोहित के बगैर आज तक नहीं हुआ। आज भी वो गुरु हैं, उनको उनसे आप दूर हो गए। मैं युवा पीढ़ी से कहना चाहता हूं कि राजपूत समाज के युवा और हिंदुत्व के युवाओं से कहना चाहता हूं कि राजपुरोहितों को फिर से हमारे साथ लो, और उनको इतिहास के बारे में पूछना हो तो हमारे यहाँ कवि कविया ये जो बैठे ना बजरंग सिंह जी, चारण समाज का काम हमारा जो करनी माता के वंशज चारण हैं, उनका काम ही एक हुआ करता था क्षत्रियों को जगाना और उनको खून जो जमा हुआ रगों में हो उस उबाल मारने लग जाता था मेरे नौजवान साथियों। इसलिए हम लोग हमेशा से सबको साथ लेकर के चलते थे, पर क्षत्रिय खुद कमजोर होने लग गया था बीच में, तो सबको साथ कहां रखता। उसी बात को लेकर के मैं पूरे भारत में निकला था और क्षत्रियों को मैं आज यहां आया हूं, कोई करोड़ करोड़ रुपए थोड़ी बांट करके जा रहा हूं, पर ये यकीन है मेरी युवा पीढ़ी पर, जो रगों के अंदर खून है वो आपकी रगों में वो खून दौड़ रहा है, आपकी रगों में वो खून है जिन्होंने गाय को मंदिर को सर्व समाज की बहन बेटियों को बचाने के लिए हजारों गर्दनें कटवाई थी और लाखों काटी थी, वो खून आपकी रगों में है मेरे नौजवान साथियों। इसलिए आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप, मैं एक नारा लेकर के चलता हूं, आपको बताया वो हर मंच से लगता है, मैं बोलता हूं हम सब, आप बोलोगे एक है, हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है, पत्थर को पी कर दे पानी, जय भारत।
का मंच नहीं, ये करनी सेना का मंच है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये करनी सेना अब ब्रांड बन चुकी है, इसलिए काफी भाई लोग भाग भाग के मैं करनी सेना फलान सिंह, मैं करनी सेना दिक्कर सिंह, मैं उन सबको आपके माध्यम पार्टी नाम पार्टी का है वो भारतीय जनता पार्टी आप नहीं बना सकते, भारतीय जनता पार्टी है वही है, कांग्रेस जो है वही है, आप कांग्रेस का गठन नहीं कर सकते, शिवसेना जिनकी है वो